आपके व्यवस्था क्या चल रहा है, कैसे आप सब लोग जी? मैं भी ठीक ठाक हूँ। सुबह बखैर, जुम्मा मुबारक सबको। ये देखिए जी, मेरे हस्बैंड ने भी शर्मिला सलाम कर दिया आपको। तो ये स्कूल जाने की जी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल, और इस वक्त ये नाश्ता कर रहे हैं। बाकी की आवाम जो है वो सो रही है, तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी इनकी वीडियो तो पहले हम डालते हैं। तो जी ये उठे हुए हैं और नहा धो के फ्रेश होकर, ये देखिए जी ये बिल्कुल तैयार रेडी है स्कूल जाने के लिए, और इस वक्त ये आज नाश्ता करें, नाश्ते में हैं। ये अच्छी बाघा खान की ज़बरदस्ती लाए, मुझे भी बड़ी पसंद है और कोई पसंद है तो। लेकिन इनकी पसंद होने के बावजूद देखिए जी इनका नाश्ता कितना थोड़ा कितना मुख्तसर होता है, क्योंकि इन्होंने नाश्ता ना करने की बस समझे जी कसम खाई, बिल्कुल थोड़ा सा देंगे। देखिए कितना सा नाश्ता लेते हैं, या नहीं जी दिल करता हूं, बस ये देखिए जी का सुबह के टाइम दिल नहीं चाहता जी। आपको सुबह के टाइम ही दिल चाहता नाश्ते का, तो किस टाइम दिल चाहता है? घंटा बस जी ये इनकी फ्रेश जब सुबह उठते हैं, यानी कि इसका मतलब ये कि नींद नहीं पूरी होती तो ज़रा गुस्सा होता है बंदे का, जैसे मूड होता है ना, तो फिर तकरीबन इनको डेढ़ एक घंटे बाद दिल चाहता है ना। ये देखिए जी भी नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है जी, तो फिर आज का हम ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे, आज की रूटीन क्या रहेगी, क्या बनाना है, क्या हमारा लंच में होगा, क्या नहीं होगा, वो सब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल ये नाश्ता करके जा रहे हैं जी स्कूल। ठीक है जी, मैंने सोचा थोड़ा सा छोटी सी वीडियो इनकी भी वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है जी, आप जा रहे हैं जी, बाय बाय कर दें, खुदा हाफिज़ कर दें। चलें जी, इनकी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है। अच्छा जी, अब नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, फारिग हो चुके हैं नाश्ते से। अब ये मेरे पास है जी कपड़ों का ढेर, बस मैं जल्दी जल्दी कपड़े धोऊँगी, और कपड़े धोने के साथ साथ मैं दोपहर का लंच भी बनाऊंगी, और लंच में देखते हैं हम क्या बना रहे हैं, फिर आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अच्छा जी, अब हमने कपड़े धो लिए, कपड़े धोने के बाद मेरा टाइम हो गया जी लंच का। तो लंच में जी मैं बना रही हूँ, सो चिकन पड़ा हुआ है तो चिकन है, और करेले में बस साफ हुए कटे हुए फ्रीज हैं, तो फिर मैंने सोचा कि करेले और चिकन जल्दी से बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, देखिए जी ये दो अदद प्याज हैं मीडियम साइज़ के, तो मैंने इसको ये ब्राउन कर लिया। ठीक है जी, फिर इधर मैंने ये चिकन है, और ये देखिए चिकन में पाउडर मसाले क्या क्या है, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून है, अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून है, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून है, सॉल्ट है 1 टीस्पून, और लहसुन पाउडर है ये भी 1/2 टीस्पून। ठीक है, रेड चिली पाउडर जो है वो मैंने 1 टीस्पून डाला है, अदरक लहसुन 1/2 टीस्पून, धनिया भी 1/2 टीस्पून है, और सॉल्ट जो है वो मैंने 1 टीस्पून। ठीक है जी, और ये देखिए जी मेरे पास करेले साफ़ हुए हुए कटे हुए फ्रीज हुए, और ये मेरे पास दो बड़े साइज़ के टमाटर हैं, और ये चिकन है बोनलेस ही थोड़ा सा था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो जी मैं अपने लिए ऐसे करके बना लेती हूँ। तो अब ये मैं बनाने लगी हूँ जो हो गया है जी प्याज ब्राउन। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल ईजी सी रेसिपी दूँगी आपको। प्याज हो गया ब्राउन, जब ब्राउन हो जाता है ना प्याज, फिर हम क्या करते हैं जी, हमें डाल देना चिकन। ठीक है जी, क्योंकि मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है सेल फोन, लिहाजा दूसरे से मैंने डाल दिया इसमें चिकन। अच्छा देखिए, ये हमने चिकन डाल दिया, और अच्छे तरीके से हमने चिकन को फ्राई कर लिया इसी मसाले में। देखिए बिल्कुल ईजी सी रेसिपी है, चिकन भी फ्राई हो गया, तो हमने साथ ही क्या करना जी, ये टमाटर और करेले भी डाल देना। ठीक है जी, बस ये वेजिटेबल डाली और हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, ये देखें जी, और बिल्कुल दम वाली आँच पे इसको हमने बनाना, थोड़ा सा पानी डाल देना। देखिए जी, हमने ये करेले जो उसमें डाले हैं, तो हमने इसमें 1/4 का पानी डाल दिया, अब हमने बिल्कुल स्लो आँच पे इसको पकने के लिए रख देना, और 20 मिनट तक उसमें एक दो बार बीच में हमने देख भी लेना है। ठीक है जी, 20 से 25 मिनट लगेंगे, ये बड़े आराम से बन जाएंगे जी। ये कढ़ाई कितना बनेंगे, बहुत टेस्टी सी कढ़ाई बनती है करेले और चिकन की। ठीक है जी, अच्छा जी ये ज़बरदस्त सी हमारे करेले कढ़ाई तैयार होगी, और मेरे पास दो दो लेमन है ये, और ये मैं इसमें डाल दूँगी लेमन जूस, ताकि ज़रा सी करेले हैं इसका टेस्ट और मैच हो जाता है, कड़वाहट थोड़ी सी कम लगती है, और इसके बाद मैंने रोटी बना लेनी है। ठीक है जी, अच्छा देखिए जी ज़बरदस्त हमारा चिकन करेले जो है बहुत मज़े का बना है, और लेमन डाला है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ, बल्कि हमने खाना ही शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने बनाई थी गर्म गर्म रोटी, तो बच्चों ने खा लिया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी सा बना है, इतना कोई मज़े का है ना, बस ना ही पूछिए क्या बताऊँ। देखिए कि मैंने डिस्प्ले नहीं किया आज, क्योंकि मैं आपको डिश बनाना नहीं बता रही, बस मेरी आज डेली की आज रूटीन देखिए आप दोपहर की, आज ही क्या रूटीन है। ठीक है जी, हमारी फ्राइडे की रोटीन आपके साथ शेयर की है। ठीक है जी, ये देखिए जी गर्मा गर्म रोटी है, बहुत ही मज़े के साथ हमने, ये देखिए रोटी भी गर्म, बहुत धुआं लग रहा है। ठीक है जी, ये मेरी रोटियां भी तैयार हैं, तो सब मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, और फिर हमारी ये आज दोपहर की रोटीन फिनिश। ठीक है जी,